दूसरी बॉल ट्रेंट बोल्ट करेंगे और ये लीजिए फुल टॉस डिलीवरी, बड़ा शॉट और जाएगी सीधी दर्शक दीर्घा में बॉल और मिल जाएगा छक्का। जी हाँ, यहाँ पे एक और छक्का, एक और फुल टॉस। ट्रेंट बोल्ट गलती कर रहे हैं और उस गलती का फायदा रोहित शर्मा उठा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही तो आगे बढ़ा जाता है और रोहित शर्मा भली भांति जानते हैं कैसा उनको खेलना है। जी हाँ, भारत ने शुरुआत तो अच्छी करी है लेकिन इस शुरुआत को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए पहला ओवर चल रहा है, तीसरी बॉल करी जाएगी ट्रेंट बोल्ट के द्वारा लेकिन एक बार फिर से शॉट पे अगर आप नजर डालें। जी हाँ, काफ़ी शानदार था ये, टाइमिंग भी लाजवाब, शॉट ने लंबाई भी प्राप्त करी, ऊंचाई भी प्राप्त करी, तो फिर हम कह सकते हैं आज रोहित का बल्ला चल रहा है। लेकिन तीसरी बॉल ये महत्वपूर्ण रहेगी। ओ ये देखिए, ये तो पूरी तरीके से भाग्य का साथ मिला रोहित। देखिए पुल करना चाह रहे थे, लगभग पूरी ताकत झोंक दी थी शॉट में और देखिए बॉल बाहरी किनारा लग के डीप पॉइंट की दिशा में गया। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, जी हाँ पूरी ताकत लगा दी थी रोहित ने। आप एक बार फिर से देखिए, जी हाँ पुल करना चाह रहे थे लेकिन बॉल निकल गई डीप टर्मिनल और डीप पॉइंट के बीच में से और देखिए चौका मिल गया, ये भाग्यशाली चौका रोहित के बल्ले से। और अब व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 16 पे पहुंच गए और भारत का स्कोर भी 16 रन है। लेकिन दोस्तों मैं सभी से अनुरोध करूंगा एक बार भारत देश के लिए लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखें, आपका नाम, आपके शहर का नाम। देखिए ये बहुत बड़ा मुकाबला है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप ये मुकाबला देख रहे हैं तो कुर्सी की पेटी तो बांध लीजिए, बिल्कुल ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। देखिए अगर भारतीय टीम चाहे भी कि शुरुआत कितनी भी अच्छी हो लेकिन मुकाबला अंतिम ओवर में जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसे खेलेंगे तो एक दो बॉल बच सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप हर बॉल पे ऐसा नहीं खेल सकते। बेशक शुरुआत भारत की शानदार हुई, शानदार अंदाज में रोहित भी खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, चौके छक्के जड़ रहे हैं। जी हाँ, ट्रेंट बोल्ट को देखिए आप, लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट, शानदार गेंदबाजी करते हैं और इनकी गेंदबाजी बहुत ही किफ़ायती रहती है। लेकिन आज तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में, भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा कुछ अलग ही शॉट लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो YouTube पे इस बड़े मुकाबले को देख रहा है, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ, अपना प्यार भारत के लिए बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे मुकाबले आप देख पाओ। 26 में 117 चाहिए रोहित शर्मा, क्या ये करिश्मा करेंगे? जी हाँ ये करिश्मा कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े शॉट चढ़ रहे हैं और रन्स भी प्राप्त कर रहे हैं। देखना है इस बल्लेबाज की उड़ान को तो फिर ऊंचा कर दीजिए आसमान को, ये अद्भुत बल्लेबाजी है। अच्छा, और देखिए आज काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, रोहित शर्मा फॉर्म में हैं, फुटवर्क अच्छा है, इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि बड़े शॉट के लिए जाना है और वो हर बॉल पे बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट को पूरी तरीके से पढ़ लिया है रोहित ने और बिल्कुल भी मौका दे नहीं रहे हैं, लगातार बड़े शॉट्स पे बड़े शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से। और अब देखिए भारत का स्कोर जा पहुंचा 28 रन और अब 25 में 111 चाहिए भारतीय टीम को। लेकिन आप सोचिए जो शुरुआत भारत की हुई है इतनी शानदार तरीके से, ऐसे ही अगर रन बनते रहे तो भारत ये मुकाबला जीत सकता है। जी हाँ, अब न्यूजीलैंड को ही कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, ये अंतिम बॉल, ये पुल शॉट, क्या बात है, आउटसाइड ऑफ की बॉल को ऑन साइड पे खेला और वो भी छक्के के लिए रोहित शर्मा ने। और आज तो हम मान गए रोहित शर्मा को,
जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, शॉट जड़ रहे हैं, जी हाँ निश्चित ही शानदार ओवर रहा भारत के लिए। ट्रेंट बोल्ट बेहद खराब खेले हैं आज, जी हाँ माफ करेगा, बेहद खराब गेंदबाजी करी है। और अब दूसरा ओवर, लेकिन ट्रिम साउथी के ओवर से पहले हम अंतिम बॉल पे जो रन आए थे, जो छक्का आया था, उस पे तो नज़र डालना भूल ही गए। जी हाँ डालना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये लीजिए बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट है टिम साउथी की पहली बॉल पे और भारत का स्कोर जा पहुंचा 40 रन। देखिए स्ट्राइक पे कोहली थे, जी हम थोड़ा छक्का देखना भूल गए थे पिछली बॉल पे, लेकिन हम एक बार फिर से देखेंगे। जो अंतिम बॉल पे रोहित ने छक्का लगाया था वो काफ़ी शानदार था, जी हम शॉट को ज़रूर देखेंगे। और वो शॉट देखना बनता भी है, जिस तरीके से वहाँ पे शानदार शॉट लगाया, माफ करेगा हाईलाइट पे जाके ही देखने को मिलेगा। जी हाँ ये देखिए क्षमा चाहूँगा, ये जो शॉट खेला रोहित ने, जी हाँ ये देखिए, हाँ क्षमा चाहूँगा, ये देखिए ये है छठवा छक्का। जी हाँ शानदार बल्लेबाजी, जो छठवा छक्का लगाया था वो काफ़ी शानदार था। और एक बार पिछली बॉल का छक्का देख लीजिए जो विराट कोहली ने लगाया, ये लीजिए फुल टॉस डिलीवरी, सामने की तरफ शॉट को खेला, छक्का बटोरा। देखिए कोहली भी अब फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से शॉट्स लगा रहे हैं। दूसरे ओवर की पहली बॉल पे छक्का, और अब दूसरी बॉल करेंगे टिम साउथी। अब भारत को 99 चाहिए। ओ कैच की अपील, फील्डर नहीं वहाँ कोई। देखिए अगर आप फील्डिंग अच्छे से नहीं लगाएंगे फिर तो आप इस मुकाबले को भूल ही जाइए। जी हाँ केन विलियमसन को थोड़ा अग्रेशन अपनाना पड़ेगा। जी हाँ तीसरी बॉल ये महत्वपूर्ण बॉल होने वाली है, लेकिन यहाँ कनेक्शन नहीं बना, लेकिन निकल गई फील्डर के सिर के ऊपर से, और एक और भाग्यशाली चौका विराट कोहली को मिला है। इसको तो मैं रिप्ले में एक दो बार ज़रूर देखना चाहूँगा। जी हाँ इसके लिए तो रिप्ले लगा दीजिए, मुझे तो रिप्ले देखना है इस शॉट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोखिम भरा था ये शॉट। ये देखिए बॉल हवा में है, फील्डर सर्कल के अंदर थे, बाहर जाने का उन्होंने प्रयास किया, जी नहीं ये बहुत दूर गिरी उनसे, मौका नहीं था। जब हम पहली बार देखते तो तब हमें ऐसा लगता है कि जी हाँ मौका था, गवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोहली क्या ये 50 इस ओवर में कर पाएंगे, ये देखना होगा। और ये लीजिए फुल टॉस बॉल, बड़ा शॉट छक्का, और हो गए हैं 50, और ये लीजिए तालियां, 50 रनों की साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा शानदार तरीके से देखने को मिले। जी हाँ देखिए कितना खूबसूरत शॉट लगाया, छक्का बटोरा, बढ़िया बल्लेबाजी का मुजहरा विराट कोहली के द्वारा। 20 पे पहुंच गए हैं मात्र 4 बालों में, ये दर्शाता है इस खिलाड़ी की क्षमता काबिलियत को। तभी तो हम कहते हैं ये किंग कोहली हैं, ये वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। जी हाँ मैं सभी से अनुरोध करूँगा भारतीय टीम का थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यहाँ सारे मुकाबले दिखाए जाते हैं। देखिए भारत ने 54 तो बना लिए 0 विकेट के नुकसान पे। अब आगे क्या होगा इस पर भी सभी की निगाहें ज़रूर रहेंगी। जी हाँ 5वीं बॉल सामने विराट कोहली है, और कोहली का अंदाज आज अलग नज़र आ रहा है। टिम साउथी को जो पिटाई, ओ ये देखिए कम से कम यहाँ टिम साउथी ने वापसी करी, और ये देखिए ये अग्रेशन है, सिर्फ एक बॉल डॉट करी और जिस तरीके से उन्होंने ताली बजाई, वहाँ दिखता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, और जब मेहनत का फल मिलता है तो फिर खुशी तो मनानी चाहिए। और टिम साउथी ने वहाँ थोड़ा अग्रेशन दिखाया और विराट कोहली को
बीट कराना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब अंतिम बॉल करी जाएगी टिम साउथी के द्वारा। भारत का स्कोर 54 रन, अब 19 में 85 चाहिए। देखिए अभी भी बहुत मुश्किल है भारत के लिए, एक छक्का तो लगाना पड़ेगा इस ओवर में, अगर नहीं आया तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं भारत की। अच्छा, और अब अंतिम बॉल टिम साउथी करेंगे, सामने विराट कोहली हैं। जी हाँ, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा विराट कोहली अंतिम बॉल पे किस तरीके से शॉट लगाएंगे, ये पुल करेंगे, ये तो कमाल का शॉट जड़ा और बॉल गई है दर्शकों के बीच में, और अंतिम बॉल पे छक्का चढ़ के दबाव किया कम, अब 79 चाहिए 3 ओवर में। लेकिन लॉकी फंक्शन आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये भी बड़ा तेज तर्रार गेंदबाज है, लेकिन शॉट पे नजर डालिए, बढ़िया शॉट लगाया था विराट कोहली ने अंतिम बॉल पे। अच्छा, शॉट पे कोई कमी नहीं थी, शानदार तरीके से लगाया और छक्का बटोरा, और अब तीसरा ओवर खेलेंगे रोहित शर्मा। मैं ये सोच रहा हूँ रोहित शर्मा का क्या अप्रोच रहेगा, पहले ओवर में क्या बढ़िया धमाकेदार शुरुआत करी थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, अब तो स्लिप लगा लिया इनके लिए। ओ ये तो कैच की अपील, लेकिन 4 रन मिलेंगे वहां पे, वायरी किनारा लग के बॉल गई डीप फाइव लेग पे। देखिए अगर डीप फाइव लेग पे फील्डर होता तो वहां ये कैच हो जाते, वहां कैच का मौका बन सकता था, रोहित शर्मा पवेलियन जा सकते थे। ये देखिए काफी देर तक बॉल हवा में थी, फील्डर होने चाहिए थे लेकिन नहीं थे वहां, तो देखिए वहां चौका मिला पहली बॉल पे लॉकी फक्सन, ये बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अब एक फील्डर है स्क्वायर लेग पे, लेकिन देखिए दो फील्डर, एक डीप कवर पे, एक डीप थर्ड मैन पे, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइड ऑफ बाउंसर कराने का प्रयास किया जाएगा लॉकी फक्सन के द्वारा, जिस प्रकार से फील्डिंग लगी है। छिया तैयार रहिए तीसरे ओवर की दूसरी बॉल के लिए। ओ यहाँ नहीं बना कनेक्शन, एक एक बॉल बहुत महत्वपूर्ण इस मुकाबले की, और भारतीय टीम पिछड़ रही है इस मुकाबले में, वापसी करनी पड़ेगी। छिया वापसी करनी पड़ेगी, ये देखिए रोहित शर्मा सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल भी अच्छा कनेक्शन नहीं बना, हालांकि एक रन मिला ज़रूर, वहाँ फील्डर ने थोड़ी गलती करी, अगर थोड़ी चुस्ती दिखाते तो रोहित को आउट किया जा सकता था। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट कुछ ऐसा ही है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ चीज़ें कब बदल जाए पता चलता नहीं है। और अब तीसरी बॉल के लिए तैयार रहिए, विराट कोहली पहुंच गए स्ट्राइक पे, बड़े शॉट चाहिए भारत को, स्लिप लगा के रखी है दबाओ। ओहो हो, ये शॉट बेहद ही दिलचस्प है, क्या बात है, विराट कोहली छा गए गुरु, एक तरफा ये बल्लेबाजी का मुजहरा, शानदार शॉट है ये। इस शॉट को खेलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन लॉकी फक्सन अब ये तैयार है चौथी बॉल करने के लिए। ओ टाइमिंग देखिए, ये शॉट सिर्फ विराट कोहली ही खेल सकते हैं। इस शॉट को देख के मुझे वर्ल्ड कप की याद आ गई, जब हरीश राव के ओवर में शॉट लगाया था विराट कोहली ने, देखिए वो शॉट कुछ अलग ही था, लेकिन ये भी लगभग उसी प्रकार का और ऐसा शॉट सामने की तरफ, और सिर्फ टाइमिंग के बल पे लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किंग कोहली क्या बढ़िया खेलते हैं, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम, जबरदस्त बल्लेबाजी विराट कोहली के, आज अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे हैं इस बड़े मुकाबले में। 14 बॉल 62 रन, क्या बन पाएंगे, क्या यहाँ न्यूजीलैंड कुछ करिश्मा करेगी। देखिए न्यूजीलैंड को सबसे पहले तो पहला विकेट निकालना पड़ेगा, जी आप कम से कम पहला विकेट आप निकालिए, भारत का स्कोर 77 रन 0 विकेट के नुकसान पे।
14 बालों में 62 रन चाहिए भारतीय टीम को। और अब तीसरे ओवर की पांचवी बॉल लॉकी फक्सन के द्वारा करी जाएगी। ये शॉट, ओ चौका मिला जरूर है, लेकिन पूरी ताकत लगा दी थी किंग कोहली ने, बिल्कुल फ्लैट गई थी बॉल। अगर थोड़ी सी और बॉल में उछाल होता तो ये छक्का भी हो जाता। देखिए केन विलियमसन बार बार आ रहे हैं, लेकिन बॉलर आज बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। और साफ तौर पे आप देखा जा सकता है ये जो पिच है बल्लेबाजी के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं, लगातार चौके छक्के जड़ रहे हैं, साफ तौर पे देखा जा सकता है बल्लेबाजी के लिए पूरी तरीके से ये पिच अनुकूल। अब अंतिम बॉल है, इस ओवर की 58 चाहिए भारत को। और देखिए भारतीय टीम ने जो एवरेज है उसको शानदार तरीके से मेंटेन रखा है, शानदार रन रेट के साथ रन बनाए। और अगर ऐसे ही खेलते रहे तो ये मुकाबला भारत के पक्ष में भी आ सकता है। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा भारतीय टीम के लिए, भारत देश के लिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखें, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आप कहाँ से देख रहे हैं। जी हाँ, और विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी है जो अकेले दम पे मुकाबला बदल सकता है। और अब तीसरे ओवर की अंतिम बॉल, यहाँ तो आउट हो सकते हैं। ओ यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट, विराट कोहली पवेलियन यहाँ से जाते नजर आएंगे। अब 2 में 58 चाहिए भारत को। देखिए भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये सेट बल्लेबाज थे विराट कोहली, अच्छा खेल रहे थे और वो जानते हैं क्या, और वो जानते हैं कि हाँ वो जानते हैं कि कैसे ना कैसे करके यहां से वापसी करी जा सकती है। और अब देखिए सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है जिस तरीके से कोहली खेल रहे थे, अचानक से मुकाबला बदला। जी हाँ, यहां से अब देखना पड़ेगा क्या होगा। 12 में अब 58 चाहिए भारत को। भारत का स्कोर 81 रन एक विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, चौथे ओवर की पहली बॉल करी जाएगी। ओ यहाँ मुकाबला फंस गया है और एक और विकेट, सूर्य कुमार यादव आए और आते ही पवेलियन भी लौटना पड़ेगा। और देखिए मिसल सेंटनर ऐसे गेंदबाज हैं, अगर वो आ जाएं तो फिर तो कुछ ना कुछ अनहोनी होना तय है। एक और विकेट उन्होंने चटकाया, अब रोहित शर्मा के कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। सूर्या ने 0 बनाए। जी आज मिस्टर 360 का बल्ला नहीं चला, लेकिन अभी भी मुकाबला जीता जा सकता है, ये मत भूलिए। कम से कम आप कोशिश तो करिए, कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ तो शॉट बड़ा चाहिए था, लेकिन फंसाया अपनी गुगली में मिसल सेंटनर ने और पवेलियन भेजा सूर्य कुमार यादव को। देखिए अब रिंकू आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है रोहित शर्मा स्ट्राइक पे हैं, और रोहित शर्मा को अब बची इस 5 बालों में कुछ अलग ही तूफान खड़ा करना पड़ेगा। जी हाँ, अब जो करना है रोहित को करना है, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। चौथे ओवर की दूसरी बॉल सामने रोहित, और ये लीजिए रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कमाल का शॉट जड़ा उन्होंने। देखिए मिसल सेंटनर, अगर आप शेर हैं तो रोहित बब्बर शेर हैं। बेशक पहली बॉल पे आपको विकेट मिला, लेकिन क्या कुछ भी हो सकता है। चौथे ओवर की तीसरी बॉल, और ये लीजिए इस बार भी आबा में खेला शॉट को, और देखिए टाइमिंग, टाइमिंग पे नजर डालिए भरपूर तरीके से, और एक बार फिर से बॉल को भेजा दर्शक दीर्घा में, और अपने 50 रन पूरे अपने स्टाइल में करते नजर आएंगे रोहित। मैं सभी से अनुरोध करूंगा रोहित शर्मा के लिए लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, एक बार शॉट जरूर देख लेते हैं। जी हाँ, एक बार
स्लो मोशन में शॉट को, शॉट का नज़ारा देखिए, ये देखिए, अगर आप शेर है देखिए क्या स्पिन करते हैं वहाँ सेंटनर। लेकिन रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से, क्या बात है, बल्ले के ऊपरी भाग में लगी थी बॉल, लेकिन फिर भी छक्का बटोरा, जबरदस्त अंदाज में बटोरा, क्या बात है, क्या बात है। एक और छक्का चाहिए यहाँ पे, एक और चाहिए, एक और मिलेगा। रोहित शर्मा छा गए हैं पूरे मुकाबले में, और ऐसी कठिन परिस्थिति में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, चौके छक्के जड़ रहे हैं, और भारतीय टीम ने शानदार वापसी करी। एक समय ऐसा लगा जहां कि भारत ये मुकाबला हार गई जब कोहली और सूर्य आउट हुए, लेकिन अब यहां थोड़ा वापसी के संकेत दिए हैं भारतीय टीम ने रोहित शर्मा ने। ये देखिए एक बार फिर से पटकी हुई बॉल थी, थोड़ी उछाल मिली, थोड़ा टर्न मिला, लेकिन रोहित शर्मा भांप गए थे पूरी लेंथ को, उन्हें पता था कहां आने वाली है और फिर वो कहां छोड़ने वाले हैं। एक और छक्का चढ़ के भारतीय टीम को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से मुकाबला 50-50 हो गया है, लेकिन भारत का स्कोर 99 रन 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन दोस्तों मैं सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार भारत देश के लिए लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखें, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आप कहां से देख रहे हैं, और थोड़ा प्यार दिखाइए भारत के लिए। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जो लोग रोज़ देखते हैं उनका भी, अच्छा इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। लेकिन अब ये पाँचवीं बॉल सेंटनर करने वाले हैं, यहाँ भी महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये लीजिए एक और छक्का। देखिए कुर्सी की पेड़ी बांध लीजिए, मुकाबला अंतिम ओवर में जा रहा है, और वहीं चलेगा पता कि कौन जीतेगा। जी आप तो वहीं पता चलेगा ये मुकाबला कौन जीतने वाला है। लेकिन ये मत भूलिए अभी भी 34 चाहिए, जिसमें एक बॉल और बची है इस ओवर की, और अब ये अंतिम बॉल रोहित शर्मा, और यहाँ तो क्लास दिखा दी है डीप कवर पे, और देखिए भारतीय दर्शक तालियों की गूंज के साथ कर रहे हैं भारत का समर्थन, दिखा रहे हैं प्यार, और भारत को चाहिए था प्यार। और रोहित ने हर दिशा में शॉट लगाए हैं, अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, और अंतिम ओवर डेरिल मिसल, लेकिन सामने रिंकू सिंह हैं, और रिंकू सिंह ने एक भी बॉल खेली नहीं है, अब चुनौती रहेगी रिंकू के लिए। और हमने देखा रिंकू ऐसी परिस्थितियों में बहुत अच्छा खेलते हैं, एक बार नहीं उन्होंने कई बार मुकाबले जिताए हैं, और आज भी उनके पास मौका है हीरो बनने का। पहली बॉल छक्के के लिए क्या जाएगी, जी हाँ देखिए पहला छक्का आ गया है रिंकू सिंह के बल्ले से डेरिल मिसल के ओवर में, जी आधा दर्जन रन जरूर बटोरे पहली बॉल पे, और अब दबाव न्यूजीलैंड टीम के ऊपर बन रहा है। रिंकू सिंह, जी हाँ रिंकू सिंह के क्या कहने, ये बल्लेबाज ही अपने आप में बड़ा खास है, क्या बात है, दिलचस्प ये टाइमिंग, बढ़िया ये शॉट, और बेहतरीन अंदाज में शॉट को खेला, छक्का बटोरा, 117 रन भारत के 2 विकेट के नुकसान पे काफी। ये देखिए ये रिंकू सिंह की क्लास है, ये अद्भुत शॉट, ये अद्भुत बल्लेबाजी, आज तो तूफान ला दिया है ग्राउंड पे। और टाइमिंग देखिए, बॉल की लंबाई देखिए, बहुत बड़ा छक्का सही समय पे लगाया, क्या बहुत बड़ा छक्का है ये, और ये जो छक्का है बड़ा ही शानदार है। जी हाँ रिंकू सिंह ने मुकाबला बना दिया है, अब यहाँ से क्या भारत जीतेगा,
क्या, लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भारतीय टीम के लिए, भारत देश के लिए थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, आपका नाम, आपके शहर का नाम। और अब ये तीसरी बॉल, पांचवे ओवर की, डेरिल मिशेल लगातार आउटसाइड, अब गेंदबाजी करने का कर रहे हैं प्रयास, लेकिन रिंकू सिंह, ये एक तरफा बल्लेबाजी है, क्या बात है, बेहतरीन शॉट लगा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है ये मुकाबला भारत के पक्ष में आ रहा है, लेकिन दोस्तों कुर्सी की पेटी अभी भी बांधे रखिए, कुछ भी हो सकता है, 3 में 10 चाहिए, अगर 1 और 2 विकेट भी मिले तो मुकाबला हाथ से जाएगा। अच्छा 3 में 10, लेकिन जो लोग YouTube पे देख रहे हैं मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लोग रोज कमेंट करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा प्यार बनाए रखें। जय हिंद लिखें, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आप कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं, और जो सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन उसको दबाएं। चौथी बॉल, पांचवे ओवर की, ओ ये देखिए फंस गया, ये आउट हो गए हैं रोहित। मैंने कहा है चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदली, अपर कट लगाना चाह रहे थे लेकिन गति से बीट हुए, रोहित शर्मा कैसे ना कैसे करके स्ट्राइक पे जाना चाह रहे थे और बड़ी गलती हुई, ये बहुत बड़ा झटका। रोहित अच्छा खेल के गए हैं लेकिन अभी भारत जीता नहीं है, देखिए अभी भी जीता जा सकता है, 2 बॉलों में 10 चाहिए, हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं। अच्छा अब जो करना है इन्हीं को करना है। जी हाँ, पांचवी बॉल, पांचवे ओवर की, बहुत महत्वपूर्ण ये डिलीवरी, बड़ा शॉट चाहिए ही चाहिए, ओ ये लीजिए फंस गया मुकाबला, ये मुकाबला नहीं, ये मुकाबला गवा दिया है भारत ने, डेरिल मिशेल ने अंतिम ओवर में किया चमत्कार और हार्दिक पांड्या को किया है चलता। अच्छा और अब तो गया ये मुकाबला भारत के हाथ से, अब 1 में 10 चाहिए, अब एक ही विकल्प है, अगर नो बॉल हुई तो ही जीत पाएंगे, और देखिए ये निराशा दिख रही है वहां पे। दोस्तों भारतीय टीम का सपोर्ट करें, हार जीत लगी रहती है, देखिए किसी ने नहीं सोचा होगा भारत ऐसी स्थिति में आके हारेगा, अब ये नो बॉल हो तो ही कुछ बात बने, जी नहीं वहां नो तो नहीं है, चौका जरूर है लेकिन ये मुकाबला भारत हार गई है 5 रनों से। जी हाँ दोस्तों, सभी से मैं अनुरोध करूंगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, देखिए हार जीत लगी रहती है इस रोमांचक मुकाबले में, भारतीय टीम की सर्वनाश हार हुई है।